अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर इन गुड हेल्थ। लेट्स सी व्हाट्स इन देयर इन आवर इंग्लिश लेसन टुडे। टुडे वी आर गोना डू यूनिट 4 लेसन 3 रीडिंग ज्योग्राफी क्विज। एक्सरसाइज नंबर 1, रीड द क्वेश्चंस इन द क्विज एंड टिक द आंसर्स यू थिंक आर करेक्ट, देन चेक एक्सरसाइज 2 फॉर द करेक्ट आंसर्स। ये है कंट्री क्विज, इसके आंसर्स जो हमें लगे हैं ठीक हैं वो हमने टिक करने हैं, हमने चूज़ करने हैं, और फिर एक्सरसाइज 2 से हमें पता चलेगा कि वो आंसर्स जो हैं वो ठीक हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट। कौन सी कंट्री है जिसका लार्जेस्ट एरिया है और कौन सी है जिसका स्मॉलेस्ट है। सर्कल द लार्जेस्ट कंट्री, अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट हमने सर्कल करनी है और स्मॉलेस्ट को हमने अंडरलाइन करना है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट एंड यूनाइटेड किंगडम इज द स्मॉलेस्ट। नंबर 2, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होती है नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं उसके अंदर रह रहे। एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट। Circle the country with the largest population, underline the country with the smallest population. सबसे ज़्यादा population किसकी है, पाकिस्तान की, और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया की। Smallest population है ऑस्ट्रेलिया। 3, in 1900 which country had the most languages? 1900 में, ये year है, इस year में कौन सी country थी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती थी। ऑस्ट्रेलिया दैट वाज। 4, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन। हाईएस्ट माउंटेन का मतलब है सबसे ऊंची माउंटेन पीक किस कंट्री में है, दैट्स पाकिस्तान। वी हैव K2, पाकिस्तान, इन दोनों में नहीं है। नंबर 5, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट। लार्जेस्ट डेजर्ट किस कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। पाकिस्तान हैज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। आवर इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट वन। 7, विच कंट्रीज हैव डेंजरस एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड स्नैक्स। ऑस्ट्रेलिया हैज़ द डेंजरस एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड स्नैक्स। 8, इन विच कंट्री और कंट्रीज वुड यू फाइंड कैंगरूज। कैंगरूज हमें कहाँ मिलेंगे, कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया बट नॉट इन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। शार्क्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम, सब में मिलते हैं। कोला बियर्स कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। एंड डियर आर फाउंड इन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम बट नॉट इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पेज। Now let's start our exercise 2 and see, let's check our answers. A. You will find deer in Pakistan and the UK. You will find kangaroos and koala bears only in Australia. You will find sharks in all three countries. Ab A ko agar hum match kare 8 ke sath to ye exact ja raha hai hamara, matlab ye bilkul theek hai. B. Australia and Pakistan both have dangerous animals, insects and snakes. The United Kingdom has no dangerous animals or insects and only one type of a dangerous snake. Australia and Pakistan both have dangerous animals, insects and snakes. They both have. Yeah. Pakistan bhi hai. Countries pucha gaya, which countries have dangerous animals? पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों में है बट नॉट इन यूनाइटेड किंगडम। सी, पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ द स्मॉलेस्ट। ये भी ठीक हो गया हमारा। डी, ऑस्ट्रेलिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, इट इज़ 10 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान एंड 30 टाइम्स बिगर देन द यूनाइटेड किंगडम, मेकिंग इट द स्मॉलेस्ट वन। ई,
2/3 of Australia is desert. That is equal to a desert 6 times the size of Pakistan. 2/3 जो है ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है वो डेजर्ट है. वो किसके इक्वल बनता है? दैट इज इक्वल टू अ डेजर्ट 6 times द साइज ऑफ पाकिस्तान. यानी पाकिस्तान के 6 पाकिस्तान बनाए तो उनका एक डेजर्ट बनेगा. एफ द इंडस विच फ्लोज थ्रू पाकिस्तान इज द लॉन्गेस्ट रिवर. इट इज 2500 किलोमीटर लॉन्ग. लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो पाकिस्तान में है. हियर जी K2 इन पाकिस्तान इज द हाइएस्ट माउंटेन. इट इज 8611 meters हाई. K2 की जो हाइट है वो ये है, इतने मीटर्स हाई है हमारा. ये पाकिस्तान का हाइएस्ट पीक. हियर एज इन 1900 द एबोरिजिनल पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. एबोरिजिनल पीपल होते हैं वो लोग जो शुरू से एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, हैविंग एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग इन एन अर्लीस्ट और ओरिजिनल स्टेट. वो वाले शुरू के बिल्कुल लोग. इन 1900 द एबोरिजिनल पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोक अबाउट 100 different languages. 100 different languages बोलते थे. देर वर 8 main languages इन पाकिस्तान एंड ओनली 3 इन द यूके. तो फिर सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती थी इन 1900. फिर उससे कम इन पाकिस्तान और उससे भी ज़्यादा कम फिर इन यूके में. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.